वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बस ओ जी वन सेवन थ्री रीथिंकिंग डेवलपमेंट के क्वेश्चन के बारे में बी एस ओ जी वन सेवन थ्री रिथिकिंग डेवलपमेंट में कुल चार ब्लॉक हैं आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बी एस ओ जी वन सेवन थ्री के जो आपके ब्लॉक टू है उसके क्वेश्चन को देखेंगे ब्लॉक वन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है बी एस ओ जी वन थ्री आपका बी ए जी बैचलर ऑफ आर्ट्स और बी एनर्स सोशियलॉजी को पढ़ना है ये आपका जनरल इलेक्टिव कोर्स है यह सी बी एस एस के अंतर्गत आता है इसके कुल आपके छः क्रेडिट है यानी एग्जाम आपके हंड्रेड मार्क्स के होंगे ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है यानी इसके एग्जाम आपके सेकंड ईयर में होने वाले हैं पहला ब्लॉक था अनपैकिंग डेवलपमेंट आज हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है थ्योराइजिंग डेवलपमेंट थ्योराइजिंग डेवलपमेंट में कुल छः यूनिट है यूनिट फोर से यूनिट नाइन तक इसको देख लेते हैं यूनिट फोर है मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन यूनिट फाइव है परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट यूनिट सिक्स है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यूनिट सेवन है ह्यूमन एंड सोशल परस्पेक्टिव यूनिट एट है इन्वायरमेंटल परपेक्टिव यूनिट नाइन है फेमिनिस्ट परपेक्टिव यूनिट फोर में है मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें कुल चार प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन द टर्म मॉडर्नाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज डिफाइन द टर्म मॉडर्नाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज क्वेश्चन नंबर टू है वाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज डिस्कस वाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री है वाट इज मिट बाई पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाट इज मिंट बाई पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ कैन यू एक्सप्लेन अर्बनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हाउ कैन यू एक्सप्लेन अर्गनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इस प्रकार से आपके कुल चार प्रश्न है यूनिट फाइव है परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट परपेपेटिव ऑन डेवलपमेंट इसमें भी कुल चार प्रश्न क्वेश्चन नंबर वन है वट आर द स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्वेश्चन नंबर टू है वाट आर द मार्क्सिस्ट एंड न्यू मार्क्सिस्ट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री है इज न्यू लिबरलिज्म एंड आइडियोलॉजी कमेंट क्वेश्चन नंबर फोर है ब्रीफली एक्सप्लेन द अटरनेटिव डवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंटी डेवलपमेंट परपेक्टिव क्वेश्चन नर्म फोर है ब्रीफली एक्सप्लेन द अटरनेटिव डवपमेंट ह्यूमन डवेलमेंट एंड एंटी डेवलपमेंट परसपेक्टिव आपको सारा परपेक्टिव बना है अगर आपको ये सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए तो अगर आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा कमेंट करते हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाए जाएंगे अन्यथा आप इसके जो जवाब है इंटरनेट से या फिर विज्ञान को इसके माध्यम से ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास किताब डिलीवर हो गया है तो आप उसमें भी ढूंढ सकते हैं यूनिट सिक्स है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इसमें कुल चार यूनिट चार क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है वॉट आर द मेजर इन

periphery and semi periphery divided the world economy question number 6 hai, what is the historical perspective of the origin and development on the capitalist world economy what is the historical perspective of the origin and development on the capital world economy question number 7 hai, what are the problems which wallerstein's world system theory forced what are the problems which wallerstein's world system theory forced यूनिट सेवन है ह्यूमन एंड सोशल परसपेक्टिव इसमें भी कुछ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर वन है एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच एंड हाउ सोशल परसपेक्टिव इन्फ्लुएंसेस इट क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट डू यू नो अबाउट कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट एंड नॉट ऑन डेवलपमेंट एज फ्रीडम क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर फाइव है वाट आर द परपेक्टिव दैट आर कनेक्टेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट वाट आर द परपेक्टिव दैट आर कनेक्टेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिट एट है इन्वायरमेंटल प्रस्पेक्टिव इसमें चार प्रश्न है इसमें कुल छह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर वन है वाट इज मिट बाय इन्वायरमेंट एंड हाउ इट इज हाउ इज इट अंडर स्टेबल टू अस वट इज मिंड बाय एनवायरमेंट एंड हाउ इज इट अंडर स्टेबल टू अस क्वेश्चन नंबर टू है वाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वयरमेंट वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ कैन यू डिस्क्राइब द क्लासिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट हाउ कैन यू डिस्क्राइब द क्लासिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट आर द क्रिटिक्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट आर द क्रिटिक्स ऑफ द कन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट नाइन जो कि आपका लास्ट यूनिट है ब्लॉक टू का फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इसमें भी कुल कुछ छह

वट डू यू नो अबाउट न्यू लिबरलिज्म एंड पोस्ट कॉलानियर फेमिनिज्म क्वेश्चन नंबर फोर है वाट इज द डिबेट विद इन इको फेमिनिज्म फ्राम विच द क्रटिक ऑफ डेवलपमेंट इज डिराइड वट इज द डिबेट विद इन इको फेमिनिज्म फ्राम विच द क्रिटिक ऑफ डवलपमेंट इज डिराइड अगर आप चाहें तो इसको नोट पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट लेकर बाद में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज द जनरल एजमसंस विध विच इकोनॉमिक फेमिनिस्ट लुक एट डेवलपमेंट वाट इज द जनरल एजमसन्स विद विच इकोनॉमिक फेमिनिस्ट लुक एट डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाट आर द मेजर इंडक्सेज फॉर मेजरिंग वुमेंस प्लेस इन डेवलपमेंट वाट आर द मेजर इंडेक्सेज फॉर मेजरिंग वुमेंस प्लेस इन डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर सेवन है जो कि आपका आखिरी प्रश्न है वाट आर द मेन अप्रप्रोचेज ऑफ इंटीग्रेटिंग वोमन इन डेवलपमेंट वाटर द मेन अप्रोच वट आर द मेन अप्रोचेज ऑफ इंटीग्रेटिंग वुमेन इन डेवलपमेंट इसी प्रकार से आपके ब्लॉक बुक के जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इस वीडियो में बताया गया ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए कहीं से मुझे अवेलेबल हुआ था अगर आप चाहें तो आप इसको जो आपका रेफरेंस बुक है उसमें भी आपको एक प्रश्न मिल जाएंगे लेकिन कई लोगों के पास किताब नहीं होता है इसी वजह से इसे अपलोड किया गया है तो ब्लॉक टू कंप्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेवलपमेंटल रेजाइम्स इन इंडिया उसके बाद आपका जो लास्ट बज जाएगा ब्लॉक फॉर उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा इशू इन डेवलपमेंट प्रैक्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट दिया जाते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया कोई सिखाया जाए तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और अगर पसंद नहीं है वीडियो को तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग